इंडिया का। अब बात प्रधानमंत्री के उस मेगा प्लान की करते हैं जो पूरे विपक्ष की नींद उड़ाने वाला है। एक ऐसी खबर जो खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने में जुटे ओवैसी की सरदर्द बढ़ाने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी का ये प्लान हिंदू मुसलमान की राजनीति के रंग को बेरंग करने वाला है। दरअसल 24 के चुनाव की महफिल लूटने के लिए नफरती जुमला उछालने वालों को अब बेदम करने की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा प्लान कैसे बीजेपी के 2024 में मिशन 400 प्लस को कामयाब बनाएगा, आपको एक रिपोर्ट दिखा। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मैं साफ तौर पे कह दूं आपसे कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। तीसरी बार भारत में 2024 में तीसरी बार शपथ लेने का काम करेंगे। के चुनावी रण का सबसे बड़ा ऐलान मोदी ब्रांड राजनीति का यही है, हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का अंत, सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र। और इसी संकल्प के साथ अब बीजेपी मुसलमानों को साथ जोड़ने की तैयारी में जुट गई है। अगले महीने से बड़ा अभियान चलाने जा रही है और इसकी बागडोर संभालेगा पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के टारगेट पर लोकसभा की वो 60 सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। इन सीटों में 5000 ऐसे लोगों को तलाशा जा रहा है जो इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका निभा सके। ये लोग बीजेपी के नहीं होंगे बल्कि वो होंगे जिन्हें मोदी सरकार की वेलफेयर पॉलिसीज का फायदा मिला है। ये डॉक्टर, इंजीनियर, सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट कोई भी हो सकते हैं जो मोदी सरकार के संदेश को सबसे अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके। इससे सबसे बड़ा फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस छवि को होगा जो एक समावेशी नेतृत्व की छवि होगी, जो उनका मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उस मंत्र को आगे बढ़ाने वाली एक समावेशी नेतृत्व की छवि। और ये उसका काट है जो विपक्षी उन पे आरोप लगाते हैं कट्टरपंथी हिंदुत्व नेतृत्व की। इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नेशनल टीम भी बन चुकी है, राष्ट्रीय प्रभारी भी चुन लिए गए हैं और अब बारी है तो स्टेट लेवल पर टीम बनाने की। खास बात यह है कि ये सभी टीमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर काम करेंगी। अब बीजेपी के इस प्लान की पूरी डिटेल भी जान और देख लीजिए, जो विपक्षी खेमे की नींद उड़ाए हुए है। इस प्लान के तहत बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 10 मार्च से देश भर में मुसलमानों के साथ जनसंपर्क अभियान शुरू करेगा जो कई चरणों में चलेगा। पहले चरण में 14 राज्यों को चिन्हित किया गया है, इनके 64 जिलों में ये अभियान चलाया जाएगा। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, लद्दाख, महाराष्ट्र, केरल और बिहार शामिल हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम समाज बीजेपी से जुड़ने में कितनी दिलचस्पी दिखाता है, तो इसका जवाब भी लगे हाथों सुन ही लीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो समझदार मुसलमान है वो सब जा चुका भाजपा में, कोई भाजपा से अलग नहीं है और सबका साथ सबका विकास चल रहा है और वो ही हो रहा है। और 100% मिलेगा और मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे के काम करने का मतलब आप जान ही रहे कि मुसलमान अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ ही जाएगा। बिल्कुल डन है ये तो। बस अब विपक्षी पार्टियां अपने पेट में दर्द करती रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। सबसे मेन बात तो ये है भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतरीन पार्टी है जो कि वो सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है और चलती है। दूसरी बात ये कि जो जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दी हैं उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि हाँ ये मुस्लिम है या हिंदू, ये कुछ नहीं। लेकिन विपक्ष तो जो है वो तो उठागा क्योंकि उसने मुसलमानों को तो एक बैंक वो वोट बैंक बना रखा था उसने। ऐसे बयानों से विपक्ष की तो सांसें फूल रही हैं क्योंकि अविश्वास की खींची लकीर को अब विश्वास मिटा रहा है। धर्म और जाति से अलग राष्ट्रवाद अपना रंग दिखा रहा है और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली पॉलिटिकल जमात को ये रंग बेदम कर रहा है जो नफरत वाला जुमला उछालकर 24 की महफिल लूटने निकला है। अगर आप
भाजपा को देना चाहेंगे दे दो, मगर याद रखो आज आपको रिजर्वेशन मिल रहा है कल नहीं मिलेगा। बीजेपी और आरएसएस कहेगी कि गरीबी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है, इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर जो पैसों में सबसे गरीब है हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर, तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। और वैसे ही नहीं, पूरे विपक्ष की सांसें ये तीन तस्वीरें फुला रही हैं, जिसमें पिछले महीने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को मुस्लिम वोटर्स तक पहुंचने के लिए कहा था, भले ही वो वोट दें या ना दें। हाल ही में पीएम मोदी मुंबई में दाऊदी बोहरा मुसलमानों के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोहरा समुदाय से अपनी चार पीढ़ियों के संबंधों का भी जिक्र किया। और अब पीएम मोदी के निर्देश पर अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के मिशन में जुटने जा रहा है। इन तस्वीरों ने पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी है, खुद को मुसलमानों का रहनुमा साबित करने में जुटे ओवैसी की सरदर्दी बढ़ा दी है। इतनी फैला दी गई है मुसलमानों के ताल्लुक से कि जहां का इनको हरा दिखता ये लाल हो जाते, बात इतनी भर नहीं है। हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर मोदी को टारगेट करने वाली पार्टियां बड़े शातिराना तरीके से एक बात छिपा जाती हैं, वो ये कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्लिम आबादी के 31% लोगों को घर मिला, मोदी सरकार में किसान निधि में 33% मुसलमानों को फायदा मिला, उज्ज्वला स्कीम में 33% मुस्लिम आबादी को लाभ मिला। ये वही मोदी सरकार है जिसने यूपीए सरकार के वक्त से चल रहे हज में वीआईपी कोटा के कल्चर को खत्म किया, यानी अब आम मुस्लिमों के लिए हज पर जाना आसान होगा। इसीलिए जो मोदी को करीब से जानते हैं, जो मोदी को पहचानते हैं, उनके सुर सध रहे हैं। जो भी योजनाएं मुसलमानों को ही मिल रही है भाई, मकान मिल रहा है तो मुसलमानों को मिलना है, गैस मिल रहा है तो मुसलमानों को मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो मुसलमानों को ही मिल रहा है, इसमें अफजा वाली बात कौन सी हुई? ऐसा है आपका मोदी जी के साथ मुसलमान खूब डट के खड़ा है, योगी जी के साथ खूब डट के खड़ा है, और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपके सब वोट भी भाजपा को ही डलेगा। क्यों हो रहा है उनके पेट में दर्द? कल अगर मुस्लिम उनको वोट करता था तब तो नहीं वो सवाल करते थे, आज अगर मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए खड़ा है तो क्यों उनके पेट में दर्द है? अब मुस्लिम नहीं रुकेगा, अब मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही जम के वोट करेगा और मुस्लिम का पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मैं साफ तौर पर कह दूंगा आपसे कि तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। ये जवाब है मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने वाली पार्टियों को, मोदी के लिए एंटी मुसलमान नैरेटिव गढ़ने वाले नेताओं के लिए, इस नसीहत के साथ कि सिर्फ गाल बजाने से सवाल नहीं हल होता। सर, क्या ये बात सच नहीं है कि आपने माइनॉरिटी के बजट को 40% कम कर दिया, स्कॉलरशिप के पैसों में 560 करोड़ रुपए कम कर दिए? ये आपकी मोहब्बत है जो नफरत की निशानी बनती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि अकलियत और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर इस देश को मजबूत करें, वो उनको हमेशा गुर्बत और नाइंसाफी का शिकार बनाकर रखना चाहती है। मोदी सरकार पर एंटी मुस्लिम टैग लगाने वाले ओवैसी को मोदी सरकार की इन योजनाओं को एक बार पढ़ और देख लेना चाहिए। उड़ान योजना, जिसके तहत मोदी सरकार मुस्लिम छात्र छात्राओं को कंपटीशन की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग उपलब्ध कराती है। इसके तहत घर पर तैयारी करने वाले मुसलमान छात्र छात्राओं को 1500 रुपए और बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 3000 रुपए दिए जाते हैं। शादी शगुन योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए की राशि शादी शगुन के तौर पर देने का काम कर रही है। उस्ताद योजना में मुस्लिम कारीगरों को एक्सपर्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सीखो और कमाओ योजना शुरू की गई है। इस स्कीम में प्रशिक्षित 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की अनिवार्यता भी रखी गई है। ईडी योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया गया है। इसकी खास बात यह है कि योजना का लाभ उठाने वालों में 50% मुस्लिम छात्राएं होंगी। जब इनकी सरकार थी
तो मात्र 100 करोड़ का लोन इन्होंने दिया अपनी सरकार में, मोदी सरकार ने माइनॉरिटी में 21,000 से ज्यादा छात्रों को 280 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा दिया। ये छलते रहे देश में माइनॉरिटीज को ये कहते हुए कि ये इनके हमदर्द हैं। नरेंद्र मोदी के लिए ये मुसलमान कोई वोट बैंक नहीं बल्कि हिंदुस्तान के विकास लक्ष्य में साथी है। इसीलिए तो पीएम मोदी खुद वेद और कुरान में एक सूत्र देखते हैं और दिखाते हैं। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हों और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। दरअसल मोदी के विकास मंत्र को काउंटर करने के लिए एंटी मोदी हवा धर्म के महीन व्याख्यानों को फूंक कर बहाई जा रही है। पहले और बाद के फेर में आज के नए भारत की बदली तस्वीर को भुलवा देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन अब खुद मुस्लिम आबादी अपने साथ हुए छल में छेद कर रही है। बीजेपी खाली हिंदुओं के लिए कर रही है, मुसलमानों के लिए नहीं कर रही, तो बताओ। जब सब कुछ कर रही है सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, वो वाला नारा है ना, वो पूरा नारा एकदम सही और एकदम सटीक चल रहा है। अभी तक के रिकॉर्ड में ये तो हुआ नहीं है कि मुसलमानों के या हिंदुओं के साथ कोई मतभेद किया जा रहा हो। देखिए, इसकी कोई वजह नहीं है। जो सवाल हैं तो सवाल तो चलते रहेंगे, वो उनका कहना है वोट लेने के लिए, लेकिन भाजपा ने पहले काम करके दिखाया। आरएस के लोग भी आज जो है ये चाहते हैं कि मुसलमान देश का हिस्सा है और देश को आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम मिलकर ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी के प्रति मुसलमानों का लगातार बढ़ता ये भरोसा वोट के आंकड़ों में भी बदला है। गुजरात में मुसलमानों की आबादी करीब 10% है। गुजरात चुनाव में मुसलमानों के 14% वोट बीजेपी को मिले। यूपी में मुसलमान करीब 19.26% है। यूपी विधानसभा चुनाव में इनमें से 8% ने बीजेपी पर भरोसा किया। चुनावी मंचों से बजने वाला विपक्षी दलों का एक राग अब बेसुरा होने लगा है, क्योंकि अब बात समझ आने लगी है कि राष्ट्रवाद के परचम तले मोदी ब्रांड राजनीतिक भेद नहीं कर रही बल्कि भावनाओं और आस्था का सम्मान कर रही है। वो चुपचाप अपना कर्म कर रही है। देश को तोड़ने के एकता का मंत्र ये बहुत बड़ी औषधि है। इसमें शक नहीं कि बीते करीब 9 सालों में विपक्ष की तरफ से फुलाया गया एक गुब्बारा फूटा है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक को साधने के चक्कर में एंटी मोदी हवा भरी गई थी। लेकिन अब लिबरल मुस्लिमों को ये बात बखूबी समझ भी आ रही है कि मोदी का राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने वाला कड़वा पाठ है, तो साथ ही नफरती राजनीति के अंत का अध्याय भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।